नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाभारत में माँ गंगा क्यों अपने सात पुत्रों को मृत्यु दे दी थी, आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। महाभारत में गंगा राजा प्रतिपद और शांतनु की कथा है, जहाँ श्राप मुक्ति का भी जिक्र है। दरअसल स्वर्ग में आठ वासु थे जिन्हें श्राप मिला था कि वे पृथ्वी पर पैदा होंगे। पृथ्वी, जिसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है, वहां इंसान का जन्म पाप भोगने के लिए भी होता है। इन आठ वासु का उद्धार करने के लिए गंगा ने ये कदम उठाया था। उन्होंने अपने उदर से जन्म देकर गंगा ने अगले ही दिन मार दिया था ताकि उनका पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप पूरा हो सके और वो स्वर्ग लोक से वापस जा सके। गंगा ने सात बेटों को तो मार दिया था, लेकिन आठवें बेटे के जन्म के बाद गंगा के पति शांतनु ने गंगा को रोक दिया था, जिसके बाद गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई थी और उस आठवें पुत्र का नाम था भीष्म पितामह, जिन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता है। ये थी गंगा की कथा जिसे महाभारत में बताया गया है। पर इसमें मौजूद लोग कौन थे? श्राप क्या सिर्फ वासु के ऊपर था और वासु असल में थे कौन? इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। आखिर कौन थे आठ वासु? हिंदू धर्म में वासु असल में इंद्र और विष्णु के अनुयायी माने जाते हैं, जो स्वर्ग में उनके साथ ही रहते थे। जिन अष्ट वासु का जिक्र यहाँ हुआ है, उन्हें रामायण में कश्यप और अदिति के पुत्र बताया गया है। और महाभारत में मनु या ब्रह्मा प्रजापति के पुत्र बताया गया है। इनके नाम भी रामायण और महाभारत में अलग है, लेकिन इनके नामों का मतलब एक है। ये आठ वासु आठ अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और सितारे। कैसे मिला था इन आठ वासु को श्राप, आइए जानते हैं। महाभारत के अनुसार इन आठ वासु में से एक प्रभास की पत्नी धू ने एक दिन जंगल में एक गाय को देख लिया। ये गाय कोई आम गाय नहीं थी, बल्कि ऋषि वशिष्ठ की गाय थी, जिसे धरती पर उद्धार करने के लिए भेजा गया था। प्रभास ने अपने अन्य सात भाइयों की मदद से इस गाय को चुरा लिया। ऋषि वशिष्ठ को जब ये पता चला तो उन्होंने इन सभी को श्राप दे दिया कि ये मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। इसके बाद सभी वासु क्षमा के लिए ऋषि के पास पहुँचे और उन्होंने उनमें से सात को ये कहा कि वो अपने जन्म के एक साल के अंदर ही मृत्यु लोक छोड़ देंगे और इस श्राप का पूरा दंड प्रभास को भोगना होगा। प्रभास दूसरी बार जन्म लेकर भीष्म या भीष्म पितामह बने। शांतनु और गंगा का श्राप और उनकी कथा। जहां भी महाभारत का जिक्र आता है और गंगा के अपने ही पुत्रों को मारने की बात सामने आती है, वहां पर वासु का श्राप ही बताया जाता है। लेकिन असल में ये गंगा और शांतनु के यहाँ ही क्यों पैदा हुए, उसके पीछे भी एक कहानी है। ये कहानी शुरू होती है शांतनु के पहले जन्म से, जहाँ वो एक वाकु साम्राज्य को महान राजा महाभीष हुआ करते थे। उन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में उन्हें जगह मिली थी। स्वर्ग लोक में ब्रह्मा के दरबार में उनकी बेटी गंगा भी मौजूद थी। इसी के साथ अन्य देवतागण और अनुयायी भी मौजूद थे। एक दिन जब दरबार में मौजूद सभी प्रार्थना मुद्रा में थे, तब हवा के कारण गंगा के वस्त्र हिल गए। सभी ने ये देख अपना सिर झुका लिया, लेकिन महाभीष ने ऐसा नहीं किया। इसी के साथ गंगा ने भी उन्हें रोका नहीं और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ये देख भगवान ब्रह्मा क्रोधित हो गए और दोनों को मृत्यु लोक में पैदा होने का श्राप दिया। गंगा तभी वापस आ सकती थी जब वो मृत्यु लोक में महाभीष का दिल तोड़ देती। ऐसा करने के बाद महाभीष ने ब्रह्मा से क्षमा मांगी और कुरु वंश के राजा
प्रतिपा के घर जन्म लेने की बात कही। ऐसे में महावीर की ये मंशा ब्रह्मा ने मान ली। एक दिन कुरुराज प्रतिपा जंगल में ध्यान मग्न थे और गंगा एक खूबसूरत स्त्री का रूप लेकर उनकी दाई जांग पर जाकर बैठ गई। जब प्रतिपा ने इसका कारण पूछा तो गंगा ने उनसे शादी की इच्छा जताई, लेकिन प्रतिपा का कहना था कि दाई जांग की जगह बेटी बहू या फिर बेटे की होती है, तो आप मेरे बेटे से शादी कर लीजिए। इसको लेकर गंगा मान गई। और उसके बाद जब प्रतिपा और उनकी पत्नी सुनंदा का बेटा शांतनु पैदा हुआ तो उसे किस्मतवश हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। शांतनु जब बड़े हुए तो जंगल में उन्होंने गंगा को देखा और उनसे शादी की इच्छा जताई। गंगा और शांतनु की शादी की शर्त। इस बात को मानने के लिए गंगा ने एक शर्त रखी और शांतनु से वचन लिया कि गंगा जो भी करेगी शांतनु उसमें कभी सवाल नहीं करेंगे। जिस दिन शांतनु ने उनसे सवाल किया वो जवाब देकर फिर उन्हें छोड़कर चली जाएगी। ऐसे में गंगा और शांतनु दोनों ही पति पत्नी की तरह हस्तिनापुर वापस आए और दिन बिताने के साथ गंगा ने शांतनु के पहले बेटे को जन्म दिया और उसके अगले ही दिन गंगा अपने नवजात को लेकर गई और नदी में डुबो दिया। ऐसे ही गंगा ने सात वासु को उनके श्राप से मुक्ति दे दी। आठवीं संतान के समय शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और गंगा को रोक दिया और पूछ लिया कि हस्तिनापुर का क्या होगा, उनका क्या होगा और क्या कभी उन्हें बारिश मिलेगा। इसके बाद गंगा ने उन्हें पूरी कहानी बताई और अपने बेटे के साथ चली गई। गंगा ने अपने बेटे परशुराम से युद्ध अभ्यास की शिक्षा दिलवाई। युवा होने पर भीष्मपितामह को शांतनु के पास सौंप दिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।